नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पेरू में 800 साल पुरानी ममी मिली, खोजकर्ता हैरान, पहली बार हुआ एक खुलासा। करीब 800 साल पहले पेरू में मध्य तट पर एक युवा व्यक्ति को दफन कर दिया गया था। दफन में किए गए इंसान को लोगों में ममी बना दिया था। उसके शव को खास तरह के कपड़ों से लपेट कर बांध दिया गया था। उसके हाथों को उसके मुंह के ऊपर रख कर बांध दिया गया था। उसके पैर भी बांध दिए गए थे। ऐसे लग रहा है कि जैसे वह बैठी हुई अवस्था में बांध दिया गया है। यह ममी इंडियन पहाड़ों के इलाके में मिला है। यह ममी सैकड़ों सालों से यहीं पड़ी थी। इस साल शुरुआत में इसकी खोज की गई है। जब वो एक गुंबद की खोजबीन कर रहे थे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेन मार्कोस की आर्कियोलॉजिस्ट योमिरा सिक्लिया हुआमेन सेंटेलिया और पीटर वेन डालेन लूना ने इसे खोजा है। दोनों ने जैसे ही गुंबद के अंदर ममी को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इसकी स्थिति काफ़ी ठीक थी। पेरू में ममी का मिलना एक बड़े इतिहास की जानकारी दे सकता था। योमिरा सिक्वियोला ने कहा है कि ममी के मिलते ही हमारी पूरी टीम खुशी से झूम गई, क्योंकि हमने इतिहास के नए पन्नों को खोजा था। हमें कतई मुझे इतने महत्वपूर्ण खोज की उम्मीद नहीं थी। अब कुछ और शोधकर्ता इन गुंबद और ममी का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि ये पता सके कि इस ममी का गुंबद के साथ क्या संबंध है। क्या इसका अंतिम संस्कार इसी में किया गया था, या फिर बाद में इसके शव को यहाँ पर ममी बनाकर रख दिया हो। योमिरा कहती है कि यह जिस समय की ममी है, उस समय इका साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी। इस ममी को खोज से हमें प्री हिस्टेसिन समय का इतिहास, संस्कृति और पारंपरिकता पता चलेगा। ऐसा लगता है कि इका साम्राज्य का अंत तब शुरू हुआ था जब स्पेनियार्ड्स ने 16वीं सदी में हमला किया था।